मॉर्निंग सर, गुड फिजिक्स के क्लासेस हो गए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड हो गया फिजिक्स से क्लास? मॉर्निंग अरे किस गाइस, इस आवाज आ रहा है, नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम। तो पाराबोला पढ़े हो? कल मैं क्या लास्ट पॉइंट लिखा रहा था, लेटेस्ट रेक्टम लिखवाया था ना, सबको मैं समझेंगे बारी बारी से, यहीं तक लिखवा रहे थे ना। अरे बोलना, लेटेस्ट रेक्टम लिख लिए थे ना, यस सर। तो सेंटर लिखो, सेंटर। द पॉइंट दैट बाइसेक्ट The point that bisects every chord, the point that bisects every chord of the conic passes through, it is called the center of the conic section. Passes through, it is called the center of the conic section. Note me likho. Note me likho. Parabola has no center. Parabola has no center, but circle, ellipse, and hyperbola have a center. Parabola has no center, but circle, ellipse, and hyperbola have a center. सबको बारी बारी से डिस्कस करेंगे ना, और समझाएंगे कि इससे पहले सेंटर का फिर से लिख लो। द पॉइंट दैट बाइसेक्ट्स एवरी कॉर्ड ऑफ द कॉनिक Passing through, it is called the center. It is called the center of the conic section. नोट में लिखो, पैराबोला हैज नो सेंटर, बट सर्कल, एलिप्स एंड हाइपरबोला हैव अ सेंटर। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। लिखो एडिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अभी तक हम तो कोनिक के बारे में बात कर रहे थे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखो पैराबोला का शेप क्या होता है, मैं उसके बारे में बात कर लू। ये रहा से तुम्हारा पैराबोला, इस तरफ भी हो सकता, ठीक है, फिर ऐसे भी हो सकता है, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। पहले हम इसको देख लेते हैं, इस पर बात कर लेते हैं, फिर इसको बारी बारी से एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। पैराबोला का ये शेप है और ये एक्सिस है, और ये जो फिक्स लाइन होता है ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। तो दूर हो गया डायरेक्ट्रिक्स, कोई बात नहीं,
ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स है और यहां से जो लाइन निकलता है ये पॉइंट जो है वर्टेक्स है, ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्शन को लिखा हुआ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपका वर्टेक्स है, ये ए पॉइंट ए ले लेते हैं, यहां से कहीं से पॉइंट पी है जो एक्स कॉमा वाई है और यहाँ पे फोकस जो है एस है जो बेटा ए कॉमा जीरो। अब सुनो ये जो वर्टेक्स है यहां से डिस्टेंस ए और ये पी एक्स है, ये जो लेंथ है पी एक्स और ये इस पर परपेंडिकुलर है जो कल एग्जांपल से बना के छोड़ दिए थे, ये यहाँ पे एम मान लो पॉइंट पे जेड मान लो। देखो पहले ये पैराबोला पे कहीं पे पॉइंट पी हो, कहीं पे भी पॉइंट, वहां से फोकस और उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो, ऑलवेज उसका रेशियो सेम होगा यानी वन होगा। पैराबोला के लिए बताया था ना सेंट्रिसिटी क्या होना चाहिए, ई की वैल्यू वन होना चाहिए, कल बताया था आपको। तो ये रेशियो पी एस अपॉन पी एन चाहे वो पॉइंट यहाँ पे हो, यहां से देख लो और ये देख लो, ये रेशियो वन ही होगा चाहे यहां से ये डिस्टेंस यहां से ये डिस्टेंस सेम होगा, चाहे इस पॉइंट से यहाँ और फिर इस पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर। करने का मतलब ये है कि आपको पैराबोला के जो ये कर्व है वहां पे कहीं से पॉइंट पी लो, कहीं पे पॉइंट कर्व पे कहीं पे पॉइंट पी लो, वहां से फोकस की डिस्टेंस और उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स पे, इसका क्या नाम है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये तुम्हारा एक्सिस है, ये फोकस है। थोड़ी देर में पहले ये क्वेश्चन समझ लेते हैं, फल बताएंगे। फोकस से परपेंडिकुलर में जो गुजरता हो, ठीक है, परपेंडिकुलर और दोनों मतलब वेक्टर का कोण है जो दोनों पैराबोला के कर्व को टच करता हो यानी इंटरसेक्ट करता हो, उसे हम लेटर सेक्टर बोलते हैं और उसे हम डबल ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ये सब हम धीरे धीरे सीखेंगे, पहले हम ये देखते हैं ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, ये फोकस ए कॉमा जीरो है, अब हमको इसका इक्वेशन लिखना है तो लिखो, कंसीडर द फोकस ऑफ द पैराबोला एज एस ए कॉमा जीरो, ये तुम्हारा वर्टेक्स जीरो कॉमा जीरो होगा और ये जो डायरेक्ट्रिक्स का लाइन है ये एक्स इक्वल टू ये लेंथ इधर क्या जीरो जीरो की माइनस से होगा, तो इसका इक्वेशन जो होगा ये लाइन का इक्वेशन एक्स इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस ए है ना, एक्स की वैल्यू हमेशा माइनस ही होगा, तो लिखो कंसीडर द फोकस ऑफ द पैराबोला एज एक्स ए कॉमा जीरो, द डायरेक्ट्रिक्स एज एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, और डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू माइनस ए लिखा, डायरेक्ट्रिक्स एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, कौन आ रहा है जा रहा है, अरे एक सेकेंड वेट करो, ठीक है। अब हमको ये देखना है, ये
ये डिस्टेंस उनको पता, ये डिस्टेंस भी उनको पता है। पारा वाली इसेंट्रिसिटी इक्वल टू वन था, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी से फोकस के बीच और डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ पहले से। हो गया, हेलो। यस सर, यस सर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला का, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। अब देखो ये मेरा वर्टेक्स है, देखो वर्टेक्स ए जीरो कॉमा जीरो, टेंजेंट एट द वर्टेक्स। वर्टेक्स पे ये जो टेंजेंट है ये रहा हूं, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो। लिखो टेंजेंट एट वर्टेक्स एक्स इक्वल टू जीरो। ये देखो इस पे जो परपेंडिकुलर फोकस इज ऊपर परपेंडिकुलर लाइन भी जब क्या है ग्राफ में, ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, इसे हम लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को लेटेस्ट रेक्टम जो हम लिखवा चुके हैं। ये लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन अगर हम बात करें इसका इक्वेशन तो ये x इक्वल टू a आ गया, यानी वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का बीच का डिस्टेंस और वर्टेक्स से फोकस के बीच का डिस्टेंस या लेटेस्ट रेक्टम के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होता है। यहां से इधर माइनस ले गए, यहां से इधर प्लस ले गए, ये डिस्टेंस भी है और ये डिस्टेंस भी है, क्योंकि सेंटर वर्टेक्स से यहां भी
पैराबोला आपका कर्व है, इस कर्व से फोकस के बीच का डिस्टेंस यहां से यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेशियो सेम है, इक्वल है ना। तो ध्यान दो इस लाइन को लेटर सेक्टर बोलते हैं, इसका एक लेटर एक्स इक्वल टू ए है, और ये पॉइंट जो होगा अगर ये, क्योंकि पैराबोला पे ये पॉइंट और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, और x की वैल्यू a है तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a इनटू a, 4a स्क्वायर तो y की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 2 है, 2 ऊपर की तरफ, ये कोऑर्डिनेट तुम्हारा a कोमा 2 है और ये कोऑर्डिनेट a कोमा माइनस 2 है। ये लेटेस्ट वेक्टर के एक्सट्रीमिट एक्सट्रीमिट पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और ये ऑलवेज जो लेंथ होता है लेटर सेक्टर का लेंथ दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये देखो यहां से ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 2 है 4a के बराबर, ये 4a के बराबर होता है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर इक्वल टू 4a, दिख रहा है उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा लास्ट तक भी, नहीं तो थोड़ा और इधर कम क्या बड़ा कर देते हैं। लिखो एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटर सेक्टर a कॉमा 2 है और a कॉमा माइनस 2 है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर 4a, लिखो फोकल डिस्टेंस sp, फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस sp इक्वल टू pn इक्वल टू x प्लस a लिख सकते हैं। लिखो पैरामेट्रिक फॉर्म, एक सेकेंड, एक सेकेंड वेट करना बेटा। समझ आया? लिखो पैरामेट्रिक फॉर्म,
हो गया? हेलो हेलो सर, हो गया, हो गया। मैट्रिक फॉर्म एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू 280। देखो x इक्वल टू 80 स्क्वायर लिखने का मतलब है पैरामेट्रिक फॉर्म में, मतलब बताता हूं। देखो x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280 का मतलब है कि आप y स्क्वायर इक्वल टू 4x में डालोगे तो आपको वैल्यू सेम आएगा। देखो 280 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इनटू x 80 स्क्वायर, तो 480 4a स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर t स्क्वायर हो गया। इसीलिए पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280। ठीक है? यस सर। देखो अगर अगर ऐसे पड़ा हुआ ये मैट्रिक्स हो ठीक है, ये वर्टेक्स हो तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x। अगर सारा बोला आपका ऐसे हो तो इसका इक्वेशन हो जाएगा इक्वल टू 4ay। अगर पढ़ा बोला ऐसे हो तो इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस a इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 0 और ये वर्टेक्स a 0, 0। ये हो जाएगा तुम्हारा वर्टेक्स a 0, 0। ठीक है, इसका फोकस इधर हो जाएगा माइनस ए कॉमा जीरो, इसका फोकस यहाँ पे आ जाएगा 0, a और ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस ए इक्वल टू 0। ये हो जाएगा वाई माइनस ए इक्वल टू 0, ये 0, 0। इसका फोकस यहाँ है एस जो होगा 0, a। नोट कीजिए जल्दी से,
हो गया। हेलो यस सर। तो हम इसपे एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो ये सिर्फ करने का तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स, ये सिर्फ x स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, ये सिर्फ x स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई। आपको फोकल कोड समझ आया? डबल ऑर्डिनेट किसको बोलती है, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहीं से होते जाए, ठीक है, फोकस से इधर से या कहीं से या इस साइड से, ये परपेंडिकुलर लेंथ को डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। और पॉइंट एस को ये फोकस के हर जगह पे, ठीक है, फोकल लेंथ आपको पता हो गया। फोकल कोड उसको बोलते हैं जो फोकस से होके कोई भी कोड गुजरता हो, इंटरसेक्ट करता हो, इसे फोकल कोड बोलते हैं। इसलिए लेटस रेक्टम भी एक तरह का फोकल कोड है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, उस पर हम कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला हैविंग इट्स वर्टेक्स एट ए वन कॉमा जीरो एंड फोकस एट एस थ्री कॉमा जीरो। सर फिर से सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला हैविंग इट्स वर्टेक्स एट ए वन कॉमा जीरो and focus at s 3,0. बना के जल्दी बताइए। हो गया, किसी को समझ आया? देखो आपको क्या दिया हुआ है, डबल वर्टेक्स और फोकस दे रखा है, तो ध्यान दो सिंपल तरीका, आपको वर्टेक्स एक कर दे रखा है 1,0, फोकस एस 3,0, फोकस एस 3,0। देखो अगर इसको फिगर बनाने की कोशिश करोगे, ये पैराबोला है जहां पे ये कोऑर्डिनेट ए जो है 1,0 और यहाँ पे फोकस एस 3,0, तो हमको दिख रहा है इसके बीच का डिस्टेंस ए 2, लेकिन ढूंढेंगे कैसे? ऐसे नहीं ढूंढेंगे, तो एक मेरे पास तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चंस करने का, ये जो वर्टेक्स है, ठीक है, तो क्या करना है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है,
तो जब भी देखना अगर एक लाइन पे हो कॉर्नर दिख रहा है तो ए निकालने के लिए ए इक्वल टू वर्टेक्स मतलब यहाँ इसके डिस्टेंस ठीक है तो 3-1 यानी फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस होगा ये 2 दिख रहा है और फिर ये जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है उसको वर्टेक्स यानी y माइनस 0 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 4 इनटू एरिया है 2 इनटू x माइनस 1 यानी जब भी कोऑर्डिनेट वहां पे देखे थे हम लोग जब निकाले थे तो यहां से ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस सेम ही होता है तो फोकस से कहीं पे पॉइंट P मानेंगे ठीक है कहीं पे पॉइंट P मानेंगे तो x माइनस ये करते थे तो डायरेक्ट आप यहां रखना जब भी आप पिक से लिखना हो फिर वर्टेक्स गिवन है तो y माइनस जो भी y कोऑर्डिनेट हो 4 इनटू a इनटू x माइनस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो जैसे कि आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 8 इनटू x माइनस a ये है पैराबोला का इक्वेशन समझ आया हेलो यस सर अगला क्वेश्चन लिखो हो गया सबका कैमरा आपका बंद ओके कैमरा बंद हो जा रहा है हमको भी परेशान हो रहा है हो गया अगला क्वेश्चन लिखो Having its focus at S 2,0 having its focus at S 2,0 and one extremity of its latest rectum मतलब इसमें भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग इट्स अ फोकस एट एस 2,0 एंड वन एक्सट्रीमिटी ऑफ इट्स अ लेटेस्ट रेक्टम एट 2,2 यानी क्या क्या दे रखा है आपको फोकस दे रखा है 2,0 और लेटेस्ट रेक्टम यानी इससे परपेंडिकुलर जा रहा है ये पॉइंट दे रखा है 2,2 तो इसी ये पॉइंट की नाल हो गया एक लेंथ कितना होता है जस्ट यहाँ से लेंथ 2 है तो यहाँ पे लेंथ वही 2 होगा कि ये माइनस 2 है 2,-2 अब पैराबोला की इक्वेशन लिख के क्यों बता दो ये जोड़ी नहीं कि ऐसे हो पैराबोला हो सकता है कि ऐसे भी होगा ठीक है ये लेंथ क्या हो गया यहां से तुम एट ढूंढ लोगे बन पाएगा जल्दी बना के दिखाओ ये लेंथ 4a के बराबर होता है तो ध्यान दो अगर ये लेंथ 4a के बराबर होता है जो भी नहीं कैसा ऐसा भी पैराबोला हो सकता है ऐसे भी यहाँ फोकस 2,0 ये और फिर ये भी ढूंढना ऐसे भी हो सकता है दोनों किस्म देखना होगा 4a इक्वल टू 4a की वैल्यू क्या हो गया 1 है तो दैट मींस कि वर्टेक्स का ये कोऑर्डिनेट 1,0 ऐसे किस्म और ऐसे केसेस में ये कोऑर्डिनेट 3,0 ऐसा केस होगा तो वन इधर आ जाएगा तो 1,0 अगर ये 2,0 के पैराबोला ऐसा है तो 3,0 वर्टेक्स तो इक्वेशन लिखो इसके लिए इक्वेशन क्या हो
y square equal to 4x. Y square equal to 4 into 1 into x minus 1. यानी y square equal to 4 into x minus 1. और इस केस के लिए 2 minus 3 यानी minus 1 हो गया. यानी y square equal to 4 into minus 1 into x minus 3. यानी y square equal to minus 4 into x minus 3. ये दो आंसर है. समझ में आया? समझ आया? हेलो, अरे कहाँ से बढ़ा गए, बन गया, समझ आया? यस सर, यस सर, यस सर. तो अगला क्वेश्चन देखें. लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ पैराबोला, इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर, इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, if a parabolic reflector is 20 centimeter in diameter and 5 centimeter deep, find the focus. If a parabolic reflector is 20 centimeter in diameter and 5 centimeter deep, find the focus. जल्दी से बना के दिखाइए. क्वेश्चन समझ आया? तुम्हें पहले ए ढूंढना है. देखो
ये बड़ा बोला है, ये बोला है 20 सेंटीमीटर का डायमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है पूरा लेंथ इसका, ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो देखो ये 5 यहाँ पे लेंथ 5 सेंटीमीटर माना है वर्टेक्स से, ठीक है। तो ये 5.10 होगा और इसलिए होगा 5.-10। तो आपको एक क्वाड्रेंट मिल गया, तो फोकस क्या होता है, फोकस से ये मानते हैं ऐसा केसेस में, तो फोकस क्या गया 5.0 और ये टोटल लेंथ ये है, तो ये कहाँ पे आएगा, ये जस्ट मिडिल होगा, यही पे फोकस होगा। बात समझ आया? हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। चलो तो यस सर अगला क्वेश्चन करते हैं। सोच रहा हूँ कि तुम लोग एनसीईआरटी का पूरा हो गया एक्सरसाइज, पहले ही बताओ 11.1 सबका। यस सर हो गया। नहीं सारे बच्चे तो दिख नहीं, कुछ बच्चे ही तो भेजे हो, 9-10 बच्चे ग्रुप में। तुम लोग का होमवर्क है एक्सरसाइज 11.2, 1 के साथ 2 भी हम पूरा देखेंगे कल। यस सर। अगला क्वेश्चन लिखो। एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। An arc is in the form of a parabola with its axis vertical. With its axis vertical, the arc is 10 meter high. The arc is 10 meter high and 5 meter wide. Arc is 10 meter high and 5 meter wide at the base. How wide it is 2 meter from the vertex? How wide is it 2 meter from the vertex of the parabola? लिख लिए सबके सब क्वेश्चन? हेलो हेलो। यस सर। जल्दी बनाइए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, 2 मिनट का, जल्दी बनाइए।
समझ आया क्वेश्चन होगा? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये रहा ऐसे पैराबोला, ठीक है, बोल रहा है ये पूरा हाइट के नीचे है, ये हाइट जो है 10 मीटर और ये जो है ये 5 मीटर, तो सर ये हाफ हाइट है तो 5/2 होती है, कोऑर्डिनेट होगा 5/2, 10, ये कोऑर्डिनेट होगा -5/2 ठीक है, तो ये लेंथ आपको दिया हुआ है, तो आप एक कोई भी कोऑर्डिनेट का ऐसा पड़ा होगा कि इक्वेशन क्या होता है x² = 4ay, x आपको दिया हुआ है 5/2, एक कोई कोऑर्डिनेट डाल तो 4a × 5k, तो क्या हो गया 25/4 और ये = 40a, तो a = 25/4 × 40, यानी a = 5/32। अब बोल रहा है कि 2 मीटर की हाइट पे, मान लो यहाँ पे 2 मीटर है, ये 2 मीटर की हाइट पे ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ, यानी आप यहाँ पे बात करें तो x और y 2, इस पे पैराबोला का क्या होगा, इक्वेशन आपको पता है x² = 4 × a क्या आ गया बेटा 5/32 और y की वैल्यू 2 दे रखा है, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी x = √5/4 यानी √5/2 ± दोनों में होगा, लेकिन हम एक को निकाल लेंगे तो लेंथ निकालना है, तो ये लेंथ √5/2 है तो डबल लेंथ हो जाएगा, जो यहां से यहां का डिस्टेंस वही है डिस्टेंस, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ = 2x यानी 2 × √5/2 यानी आंसर √5। बात समझ आया? यस सर। तो आपका होमवर्क एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 तो जो भेज दिए हैं उनके लिए कोई बात नहीं, एनसीईआरटी का नेक्स्ट एक्सरसाइज पूरा कर लेना 11.2। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो हम लोग पैराबोला पढ़ लिए, लेकिन अभी पैराबोला में कुछ दिन और पढ़ेंगे कि थोड़ा सा मुझे भी लग जाए कि हाँ इतना सा आपका काम चल जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं पे किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अभी तक के क्लासेस में कहीं पे भी कोई चीजों को समझने में प्रॉब्लम हुई है तो आपको डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, फोकल कॉर्ड, फोकल लेंथ, लैटस रेक्टम, डबल ऑर्डिनेट, ये सारे का कोऑर्डिनेट कैसे कैसे इंडिकेट किए हैं, क्या क्या इक्वेशन है, सारा आपके ध्यान में होना चाहिए।
नहीं तो फिर क्वेश्चन कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है सबको? यस सर। मैं कुछ बच्चों से पूछता हूँ। अरे अविनाश, बहुत दिन के बाद दिख रहा है, समझ आया? यस सर। आकाश, अनुराग, यस सर, आज जो पारा बोला कि हम बात किए वो समझ आया? अभिप्सा, यस सर, एकलव्य अरोय, अरे समझ आया? यस सर। हर्षिता, अरे तू कभी अटेंड कर रही है क्लास, कभी नहीं कर रही है, क्यों रे लड़की? यस सर। क्यों तुम्हारे क्लास नहीं चल रहा? जिज्ञासा, यस सर, समझ आया पैराबोला के बारे में आज? यस सर। अरे मनोज, यस सर, मेरे दोन जाए अरे मृत्युंजय, समझ आया कि नहीं प्लीज बताओ। मुकेश, ओमकार, अरे प्रेम सर तू आया हुआ है, बहुत सही। प्रद्युम्न साहू आजकल गायब है, नहीं प्रेम, समझ आ रहा है? यस सर। प्रियंका, प्रियांशु, यस सर, समझ आया? यस सर। रोहन, अरे शिव सुंदर दास, यस सर, समझ आ रहा है? यस सर। सिद्धार्थ, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ रहा है सर। अरे सोफी, अरे कल तुम्हारे घर आना भूल गए, आज तुम्हारे घर आ रहा है सोफी। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। एड्रेस सेंड ही नहीं किया तो कैसे आता? सेंड कर दो क्या सर? समझ आया बेटा? ना बोलेगा। शुभम नायक, समझ आया? शुभम, यस सर, मैं शुभम बोल रहा हूँ सर। शुभम नायक से भी पूछा, शुभम भी है, शुभम भी है। सौम्य प्रज्ञा साम, स्वयं प्रज्ञा साम, समझ आया बेटा? चलो एक बार आप लोग रिवीजन कर लो, फिर हम शाम में इसमें क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है? हेलो, यस सर, यस सर, आज के लिए यही तक, मिलते हैं, चलो बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सर।